अगर आज की डेट में तुम क्लास स्क्वाड में रैंक पुश करना चाहते हो तो तुम्हारी टीम एक स्नाइपर होना उतना ही जरूरी है जितना एक मूवी में हीरो का। एंड एक अच्छा स्नाइपर प्लेयर बनने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है एक अच्छा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं जो एक स्नाइपर प्लेयर को यूज करने ही चाहिए। बट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन देखने से पहले या तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट डिफरेंट वाली वीडियो स्नाइपर एंगल्स के ऊपर आने वाली है जिसमें मैं तुम्हें हर मैप में बेस्ट एंगल्स बताऊंगा स्नाइपिंग के लिए। तो मेक श्योर तुम इस वीडियो को मिस मत करना। सो इन तीनों कॉम्बिनेशन में जो तुम्हें मैं बताने वाला हूँ उसमें एक कैरेक्टर कॉमन रहेगा जो कि राफेल है। अब बात करते हैं कैरेक्टर कॉम्बिनेशन नंबर 1 की। पहले स्किल में राफेल प्लस मोको प्लस मारो एंड एफ2 स्किल में आइरिस। राफेल तुम्हें नॉक एनमी को जल्दी से क्लियर करने में हेल्प करेगा एंड साथ ही तुम्हारी स्नाइपिंग में एक साइलेंसर भी ऐड कर देगा। वहीं मोको तुम्हें एनिमी के लोकेशन में हेल्प करेगा एंड मारो लॉन्ग रेंज में एनिमी को एक्स्ट्रा डैमेज देने में हेल्प करेगा। आइरिस की बात करें तो जब भी तुम किसी एनिमी को मारते हो और वो ग्लू लगा लेता है तो आइरिस तुम्हें ग्लू के आर पार उस एनिमी को मारने में मदद करेगी और तुम उसे किल कर सकते हो। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे। उसमें तुम्हें पैसिव स्किल में राफेल प्लस लोरा प्लस मारो, ये 3 कैरेक्टर ना एक्टिव स्किल में तुम वोकोंग या ओरियन में से कोई भी यूज कर सकते हो। लोरा के हेल्प से जब भी तुम किसी प्लेयर को स्नाइपर का स्कोप को नीचे मारोगे तो तुम्हारी जो एक्यूरेसी है 35% से बढ़ जाएगी इन स्कोप एक्यूरेसी एंड मारो लॉन्ग रेंज में एनिमी को एक्स्ट्रा डैमेज देने में हेल्प करेगा। एंड वोकोंग एंड ओरियन का यूज करके तुम एनिमी को शॉर्ट रेंज में इजिली मार सकते हो। बट अगर तुम एक्टिव स्किल में ओरियन यूज करते हो तो तुम्हें पैसिव में लोरा या मारो की जगह एक मिगुल को यूज लगाना पड़ेगा जिससे तुम्हें एनिमी को नॉक करने पर ईपी मिलेगी जो कि तुम ओरियन के लिए यूज कर सकते हो। अब चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की एंड ये कॉम्बिनेशन मेरा फेवरेट है एंड मैक्सिमम टाइम इसी को यूज करता हूँ स्नाइपिंग करते हुए। तो इसमें तुम्हें पैसिव स्किल में राफेल प्लस मोको प्लस सूजी को लगा लेना है एंड एक्टिव स्किल में तुम्हें तसोया लगाना है। राफेल एंड मोको का यूज तो तुम्हें पता चल गया है, अब सूजी की बात। तो जब भी तुम किसी बंदे को नॉक करोगे तो सूजी तुम्हें हर बार एक्स्ट्रा पॉइंट्स देगी, इससे कि तुम स्टार्टिंग के राउंड में ही एडब्ल्यूएम ले सकते हो एंड तसोया तुम्हें राउंड के स्टार्टिंग में ही लोकेशन लेने में बहुत हेल्प करेगा जिससे तुम एनिमी को सरप्राइज अटैक दे सकते हो। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने एक स्पाइपर दोस्त का शेयर कर देना। मैं मिलूंगा सबसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।